जलंधर विच लोकसभा सीट लई जिमनी चोण करवाई जा रही है, जिस विच पंजाब दीआं पार्टीआं ने आपो अपने उम्मीदवार चोण मैदान विच उतार दित्ते ने। 10 मई नूं जलंधर दे वोटर अपनी वोट दा भुगतान करदे होए जलंधर दी लोकसभा सीट नूं नवां मैंबर सौंपणगे। उम्मीदवार कौन जितेगा इह तां ईवीएम विच कैद हो जावेगा। जिमनी चोण नूं लै के पार्टीआं वल्लों अपने उम्मीदवारां लई पुरजोर नाल चोण प्रचार भी कीता गया। किन्ना कु रंग लिआएगा इह चोण प्रचार, इह ते आउण वाला समां ही दसेगा। खैर, असीं इक नज़र मारांगे उन्हां उम्मीदवारां दी प्रोफाइल उत्ते जो जलंधर दी लोकसभा सीट जीतण लई दावे कर रहे ने। जलंधर लोकसभा सीट कांग्रेस दे एमपी चौधरी संतोख सिंह दी मौत तों बाद खाली हुई, जिस कारण इत्थे जिमनी चोण करवाईयां जा रही ने। इस बार चार मुख पार्टियां विच जबरदस्त मुकाबला रहण वाला है। कांग्रेस दे उम्मीदवार करमजीत कौर, आम आदमी पार्टी दे सुशील कुमार रिंकू, भाजपा दे इंदर इकबाल सिंह अटवाल अते अकाली दल तों डॉक्टर सुखविंदर सुखी चोण मैदान विच ने। इन्हां चार तों इलावा 15 होर उम्मीदवार चोण मैदान विच उतरे ने। सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार हाल ही विच कांग्रेस तों आप विच शामिल होए ने। इस तों पहला उह भारतीय कौमी कांग्रेस दे मैंबर रहे। 2017 विच जलंधर पछमी विधानसभा हलके तों वी चुने गए सन। कमलजीत कौर कांग्रेस दी उम्मीदवार, मरहूम एमपी चौधरी संतोख सिंह दी पत्नी। पति दे देहांत तों बाद कांग्रेस ने करमजीत नूं उम्मीदवार ऐलानिया। चौधरी संतोख सिंह दी भारत जोड़ो यात्रा दौरान मौत होई सी। इंदर इकबाल सिंह अटवाल भाजपा दे उम्मीदवार, अकाली दल तों भाजपा विच शामिल होए नेता। हलका कुमकला तों अकाली दल दे विधायक रह चुके ने। पिता चरणजीत सिंह अटवाल पंजाब दे साबका स्पीकर रह चुके ने। पिता ने भी हाल ही विच भाजपा दा पल्ला फड़िया। डॉक्टर सुखविंदर सुखी श्रोमणी अकाली दल दा उम्मीदवार। सुखविंदर सुखी नवांशहर दे बंगा तों अकाली दल दे विधायक ने। जेकर वोटरां दी गल करिए तां जलंधर लोकसभा सीट ते कुल 16,21,800 वोटर ने, जिस विच 38,313 वोटर 80 साल तों वध उमर दे ने, जदकि 10,526 अपाज ने। जलंधर विच 8,43,229 वोटरस ने, 7,75,173 महिला वोटर ने अते 40 अपाज वोटर ने। जलंधर विच कुल 1,972 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए ने। दस दईए कि 10 मई नूं जलंधर जिले विच सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया गया, ता जो जलंधर का हर वोटर अपनी वोट का भुगतान कर सके। इस दे नतीजे 13 मई नूं आउणगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।